हे तो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे होनर 8X के टॉप 5 रीजन की, जिससे आप इस मोबाइल फोन को बेहिचक होकर खरीद सकते हो। तो बिना स्किप किए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों पहले रीजन की, जो है दोस्तों मोबाइल फोन की बिल्ड क्वालिटी। जहाँ दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि होनर के सभी मोबाइल फोन की बिल्ड क्वालिटी हमें अच्छे देखने को मिल जाती है, वही बिल्ड क्वालिटी दोस्तों हमें होनर 8X में भी देखने को मिल जाती है। दोस्तों मोबाइल फोन में एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाती है और ईयर साइड में ग्लोसी फिनिशिंग भी देखने को मिलती है। ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों मोबाइल फोन में एक अच्छा डिजाइन देखने को मिल जाता है। दोस्तों ये मोबाइल फोन एक स्लिम मोबाइल फोन है। मैं आपको बता दूं कि दोस्तों दोनों ही चारों ही तरफ से दोस्तों मोबाइल फोन देखने में एक अच्छा नजर आता है। अगर बात करें दोस्तों मोबाइल फोन के रियर साइड की, तो दोस्तों इसमें हमें डुअल रियर कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है और रियर साइड में इसमें एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा, जो मोबाइल फोन के बीच में दिया गया है। अगर बात करें मोबाइल फोन के दूसरे रीजन की, जो है दोस्तों मोबाइल फोन की डिस्प्ले। दोस्तों होनर 8X में हमें 6.5 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले मिलेगी। दोस्तों मोबाइल फोन पर ऊपर की तरफ एक नोच भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों मोबाइल फोन की डिस्प्ले का रिजोल्यूशन हमें फुल HD+ देखने को मिल जाता है। ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों होनर 8X की डिस्प्ले हमें एक अच्छी नजर आती है, क्योंकि दोस्तों इसमें हमें रिजोल्यूशन फुल HD+ देखने को मिल जाता है। अगर बात करें दोस्तों मोबाइल फोन के तीसरे रीजन की, जो है दोस्तों मोबाइल फोन के कैमरे। तो दोस्तों होनर 8X में हमें डुअल रियर कैमरा देखने को मिलता है, जो कि 20+2 मेगापिक्सल के 20 मेगापिक्सल कैमरे का अपर्चर होगा f1.8 और 2 मेगापिक्सल कैमरे का अपर्चर हमें f2.4 देखने को मिल जाता है। दरअसल दोस्तों ये AI कैमरे है, इस पर रियर साइड में कैमरे के साइड में लिखा है AI कैमरा। दोस्तों मोबाइल फोन में हमें AI कैमरे देखने को मिल जाते हैं। अगर बात करें दोस्तों मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरे की, तो दोस्तों होनर 8X में हमें 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसका अपर्चर होगा f2.0। दोस्तों मोबाइल फोन में हमें रियर और फ्रंट साइड में अच्छे कैमरे देखने को मिल जाते हैं, जिससे हम अच्छे अच्छे पिक्चर्स कैप्चर कर सकते हैं। ये थे दोस्तों मोबाइल फोन के तीन रीजन। अब बात करते हैं मोबाइल फोन के चौथे रीजन की, जो दोस्तों मोबाइल फोन की परफॉर्मेंस। तो दोस्तों होनर 8X में हमें क्रीम 710 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो एक अच्छी परफॉर्मेंस देता है। दोस्तों ये मोबाइल फोन हमें तीन वेरियंट्स में मिलता है, 4GB और 64GB स्टोरेज, 6GB रोम 64GB स्टोरेज और 6GB रैम 128GB के साथ इसके टॉप वेरियंट्स देखने को मिल जाते हैं, जिसके प्राइस स्टार्ट होते हैं 14,999 रुपये से। दोस्तों इस मोबाइल फोन का प्रोसेसर हमें एक अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है। अगर बात करें दोस्तों मोबाइल फोन के आखिरी और पांचवें रीजन की, जो दोस्तों मोबाइल फोन की बैटरी। जहां दोस्तों मोबाइल फोन में हमें 3,750 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। हालांकि दोस्तों एक मीडियम बैटरी है, हालांकि इसे हम बड़ी बैटरी या छोटी बैटरी नहीं बोल सकते, मिडिल बैटरी बोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें हमें USB-C टाइप पोर्ट देखने को नहीं मिलता। अच्छी बात यह है कि दोस्तों मोबाइल फोन में हमें फेस अनलॉक भी मिल जाएगा और फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है। मेरे हिसाब से दोस्तों पांचों रीजन एकदम सही है, क्योंकि दोस्तों 14,999 रुपये में होनर 8X में हमें सभी तरह की चीज़ें देखने को मिल जाती है। अच्छा प्रोसेसर, अच्छे डिस्प्ले और दोस्तों अच्छे कैमरे देखने को मिल जाते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों आप इस मोबाइल फ़ोन को 14,999 रुपये में खरीद सकते हो, क्योंकि दोस्तों मेरे हिसाब से इस मोबाइल फ़ोन में एक अच्छी स्पेसिफिकेशंस दी गई है और दोस्तों देखने में मोबाइल फ़ोन बहुत अच्छा नज़र आता है। बिल्ड क्वालिटी भी मोबाइल फ़ोन की अच्छी दी गई है। दोस्तों आप इस मोबाइल फ़ोन की तरफ बेहिचक होकर जा सकते हो। अगर दोस्तों आपको बड़ी डिस्प्ले का मोबाइल फ़ोन चाहिए तो फिर भी आप होनर 8X की तरफ जा सकते हो। और दोस्तों क्रिन 710 का भी अच्छा प्रोसेसर मोबाइल फ़ोन में मिल जाता है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।